हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर व्लॉगिंग चैनल। सो सुबह के बज रहे हैं 5 एंड हम लोग निकले हुए हैं। आज मेरी सिस्टर जो अबू धाबी रहती है वो आ रही है दिल्ली। सो हम लोग फिलहाल एयरपोर्ट जा रहे हैं उसको लेने, सर अपने ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए, गाड़ी का फुल फायदा उठाते हुए। सो नोनू और मेरी भी आई थिंक फर्स्ट टाइम निकले हैं ना ऐसे बाहर अकेले, मतलब फैमिली के साथ एक दो बार गए हैं। सो हमारी भी फर्स्ट ड्राइव है ये और काफी लॉन्ग ड्राइव होने वाली है क्योंकि एयरपोर्ट तक का रास्ता, और हमें डर भी लग रहा है बिकॉज जगह जगह पे वो जो फ्लड का वो सीन हो रखा है ना दिल्ली में, सही में बहुत बुरा हाल है यार। हाँ, हर जगह पानी पानी पानी। अभी अभी भी हम जिस अभी एक वीडियो क्लिप डालता हूँ उसमें देखना आपके आईटीओ से बेसिकली हम आ रहे थे और वहाँ पे हमें ना दिखा रहा था जाम है, बट हमें ये नहीं पता था कि पानी अभी तक है या नहीं, बट वहाँ पे पानी था। और अभी मैंने रिकॉर्ड भी किया, अभी हम इसमें ऐड करते हैं, तो अब देखना बहुत डर डर के निकल के आए हैं हम। सो अब निकल पहुँचते हैं, देखो कहाँ तक जाते हैं पहुँच जाए, बस उनको सही सलामत घर लेके आ जाए बस। डर लग रहा है ना मैं यहाँ से क्रॉस करते हुए आईटीओ से कि गाड़ी ना रुक जाए। अब थैंक गॉड खत्म हुआ है, अंधेरे में दिखा नहीं पाई मैं आपको वरना इतना पानी था। ये जो आगे गाड़ी जा रही है ना, लिटरली मुझे इसके टायर्स नहीं दिख रहे थे और मैं हरी ओम कर रही थी कि हमारी गाड़ी ना रुक जाए। थोड़ा सा नीचे की तरफ है ना, बट यार फिर वापसी में देख लिया आपने, बिकॉज हमें वापसी भी वहीं से आना है। कोई दिक्कत नहीं, इधर की तरफ ज्यादा उधर, बट ये जो सामने गाड़ी चल रही है ना मुझे इसके पहिए नहीं दिख रहे थे बिल्कुल भी, ऊपर से बस इतनी है और ऊपर से ऑटो रुक गया है, तो बिल्कुल ही हालत खराब हो गई। इसको देख के मैंने गुस्सा आ गया, ऐसे ना जैसे मेरे पास भी ऐसी हुई है। बट हमें डर लग रहा है, ऑटो रुका हुआ देखा ना, हमें लगा बस भाई अपनी भी गाड़ी को धक्के लगा रही होंगे। चलो थोड़ी रोशनी हो जाए और आगे दिखाते हैं बस, अभी तो आईटीओ तक पहुंचे, अभी एयरपोर्ट जाना लंबा रास्ता। सो गाइस मस्त दिन निकल गया है और मैं सोच रही थी कि आज तो आराम से गाड़ी में व्लॉग करते हुए जाएंगे और मस्त बातें करते हुए चिल मारते हुए जाएंगे और पूरा रास्ता मेरा निकल रहा है, सिर्फ इसको वो बताते हो डायरेक्शंस बताते हो। व्लॉग ही तो कर रहे हो और क्या कर रहे हो, इसको व्लॉग करना बोलते हैं। एक सेकंड के लिए मैप से ध्यान हट जाए ना, कोई सॉन्ग प्ले कर दो कुछ, अरे मैप पे ध्यान रखो, मैप पे ध्यान रखो, कट मिस नहीं होना चाहिए। तो पूरे रास्ते में बस ये करती हूँ यार, मेरे को क्या पता कि मैं कौन सा रोज एयरपोर्ट जाता हूँ, मेरी रोज की फ्लाइटें होती हैं, साल में एक बार जाते हैं वो भी टैक्सी वाला छोड़ के आता है। तो ये था ना घर से पूरा रास्ता वास्ता देख के आना चाहिए था कहाँ कट है क्या नहीं है। यार बारिश की वजह से बड़े चेंज भी हुए हैं रास्ते। ऑल्सो 5:30 बजने वाली है एंड हम पूरी रात नहीं सोए बिकॉज हमें पता था एक बार सो गए तो सो के उठना ज्यादा मुश्किल होगा, सो वी थॉट चल यार जागते ही रहेंगे, एक बार वो लोग घर आ जाए फिर आराम से सोएंगे। सो साइड का व्यू चेक करो यार, देखो दिल्ली कितनी सुंदर है, सिर्फ ये पार्ट दिल्ली का सुंदर है भाई, दिल्ली देखो कितनी सुंदर है। है तो सही, वैसे इस साइड आओ ना तो लगता तो है कि सुंदर तो है, सुंदर ही है भाई, ये ऊपर चढ़ना नीचे रहना ये बताओ। अरे 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 यार अब ये कैसे मैप में पता चलेगा, देखियो जरा यार इस मैप में तुम कैसे बता दोगे यहाँ से तुम्हें ऊपर चढ़ना है या नीचे रहना है ये देखना यार। होता ना तो वो साइड में हल्का सा पतला से पतली दिखाता है। पता नहीं यार मेरे को तो मैप्स देखने भी नहीं आते ऐसा लगता है। ये देख लो इसको मुंह से अला फैल, और तेरे से गाने ही चला रखे थे हमने बस जैसे हम। ओह वाओ क्या दिख गया, ये देख कितने प्यारे लग रहे हैं, वाओ ऐसी ऐसी जगह रहने का मन करता है यार, इतने मस्त हो। पीछे बिल्डिंग देख कितनी गंदी आ रही है, पर खैर चलो यहाँ के लिए तो सरकारी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। सर आप ढूंढ लो सरकारी नौकरी अगले जन्म में, मतलब मुश्किल ही है, औखा काम है, इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। अब रहता कितनी देर का रास्ता, क्या मतलब मैप्स मैं देख रही हूँ, यहाँ पे हमें अराइवल दिखा रहा है 5:35 और अभी हो रहे हैं 5:24 राइट। यार एक दो ट्रक और बस वगैरह साथ से जाते हैं ना मेरे को बहुत डर लगता है। ये देख आवाज देख, मैं मैप्स पे ही ध्यान दे देती हूँ, अभी जब वहाँ पहुँचते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अब कहाँ जाना है ये बता दो। सो गाइस हम तो पहुँच गए एयरपोर्ट पर, नेहा से भी कांटेक्ट नहीं हो रहा, मतलब अभी वैसे तो हम भी बस अभी पहुँचे ही हैं और गाड़ी पार्किंग में लगा रहे हैं, क्योंकि वैसे तो हम सोच रहे थे ऐसी मिल जाएगा पार्किंग में लगानी ही पड़ेगी बिकॉज पता नहीं कितना टाइम लगेगा भी उन्हें भी वो सब इमिग्रेशन वगैरह और सिक्योरिटी चेक वगैरह और जो भी पैकेज वगैरह अपने कलेक्ट करने होंगे बैगेज वगैरह, तो हम पार्किंग में लगाते हैं एंड देन ट्राई करते हैं। मैंने बोला था उसका इंडिया का नंबर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद, बट अभी तक तो हुआ नहीं, सो लेट्स सी। तो गाड़ी लगा दिया उनने पार्किंग में और नेहा से बात भी हो गई है, बट अभी वो लोग अपना बैगेज वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं, सो देखो उन्हें कितना टाइम लगता है। और सर के कुछ और प्लान है, सर प्लीज़ इलैबोरेट योर प्लान्स। क्या प्लान है,
एक्चुअली ना एयरपोर्ट पे ना स्टार्ट हुआ है कि 100 रुपीज की आई थिंक टिकट होती है, देन आप अंदर जा सकते हो एंड मतलब बिल्कुल एंड तक नहीं जा सकते, बट जैसे किसी को ड्रॉप करने पिक करने आए हो तो आप अंदर जा सकते हो. तो ही इज लाइक चलो हम टिकट ले लेते हैं, अंदर कॉफी वॉफी पी के आते हैं. पौने 6 बजे इसका कुछ ना कुछ खुराफाती दिमाग में चलता रहता है. नई चीजें एक्सप्लोर करने से ही समझ आती है. बट यहाँ है कैसे है वो सीन, कहाँ से टिकट्स कलेक्ट करने हैं, वही पिंक. मैं सीरियस हूँ आप, और मुझे ऐसा लगा जितनी देर में हम अंदर जाएंगे और वो सब लेंगे क्या बोलते हैं अपनी कॉफी वगैरह, उतनी देर में यहाँ हाई कर रही हूँ क्योंकि चलो बाहर निकलो, चलो देखते हैं चलो. अभी तो फिलहाल हम बस अंदर जा रहे हैं गेट्स तक आई थिंक, फिर देखते हैं उनको कितना टाइम लगना है, वो मैटर करता है मेन. तो गाइस लेट हो गए थोड़ा सा व्लॉग करने में. वो देखो बहन कहाँ छुपी हुई है, दुबई सॉरी अबू धाबी वाली हमारी सवारी आ गई है. सर आपको अपने फर्स्ट कैब ड्राइवर आपको सबसे पहला सवारी मिली है, कैसे लग रहा है आपको? सो ऐसा लग रहा है नोनू कैब लेके आया है. हम लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं और सबको पता नहीं, हम लोग तो खूब मजे कर रहे हैं. तो बस अब बस फटाफट से लोग हो रहे घर पहुंच जाए, आराम से चलते हैं, वही घर है वही सब है, ये लोग ज्यादा ही कर रहे हैं. गाइस घर आ गए हैं हम लोग और यहाँ पे हो रहा है ये देखो भरत मिला, ये हमारी प्यारी शादी से हम मिल रहे हैं. ये सोनी बारी है, इसने मासी के पास एक बारी में आ गई. ओ जय माता दी. आदू ये आप सबके सामने इतने भोले क्यों बने हुए, ऐसे भोली बन के मिल रही है सबसे, ऐसे भोशाली बच्चे. ये तो है ही भोली बाबू है ना, भोला बाबू है ना. आदू आदू गाइस को तो हेलो कर दो, आप भी कर दो ना हेलो. गाइस देखो छोटा बेबी है, हेलो तो करो गाइस को, तो हेलो करो ना, आप भी तो हेलो कर दो. हेलो आदू आप भी कर दो, दीदी ने भी कर दिया. आदू मासी को बोलो आदू के गिफ्ट कहाँ है भाई. मैं तो वही रखा है अबू धाबी में. आदू के गिफ्ट कहाँ गए? आदू मासी कह रही है गिफ्ट नहीं लाई. सैड होके दिखा दो मासी को, जो मासी कह रही है गिफ्ट नहीं लाई. सैड होके दिखाना, अच्छा एक बार आदू पहले सैड होके दिखाओ. इधर 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 नो नो सैड, सैड हो जो मासी कह रही है गिफ्ट नहीं लाई. मासी आ गई है ना, अच्छा मासी को पारी कर दो. आदू मासी को पारी तो कर दो यार. नहीं के गिफ्ट नहीं लाए ना, तो जाओ. ओए दीदी लेके आई है गिफ्ट, पहले दिखाओ प्रूफ चाहिए तुम लोगों ने. अब मम्मी आ जाओ, मम्मी ये लो कह रहे गिफ्ट्स नहीं लाए, मेरे को वापस ले लो. आदू क्या निकोल रही है माशीश में? इसमें तो कुछ नहीं, मम्मा के लिए गिफ्ट. ओ अच्छा मम्मा के लिए गिफ्ट आए हैं. आदू आदू की ढोली है. आदू के किसके? आदू के. आदू के गिफ्ट्स हैं, मेरे को भी दिखाओ. आओ जाओ आदू, आना दीदी के पास आ जाओ. उबिता आदू आदू कर दे एक बार. आदू तो कर दो उबिता, फिर पहले कोई मांस तो दिखाओ मेरे को. क्या सोप में रही है क्या? निकालो
मासी भी ले जाती है और निकालो मासी और काला के नानी ये संभालो पीछे से नानी एक भी चीज नहीं आई अभी तक मेरे हाथ और निकालो और क्या है जा रहे अलादीन के चिराग में एक चीज रहती रुक जाओ आदू ही निकालेगी आदू व्हाट इज दिस बेटा जी तो रह गया था केरी लाओ तो आदू 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 एक बार गिफ्ट देख के बोल तो दो उबिता उबिता अच्छा एक मिनट आदू पहले सुनो दीदी लेके आई है पहले दीदी को पारी करो और मासी को भी पारी करो कह दो आ जाओ पारी दीदी को भी दीदी भी तो लेके आई है कह रही चलो गाइस अब आप लोग अपने घर वापस जा सकते हो अभी अभी एक गिफ्ट तो पहले वो देखेगी ना पहले अपना अच्छा ये आपस में कंफ्यूज है दोनों माँ बेटी क्या लाए थे क्या लाए थे आदू जी का आया फिर नानी पीछे वाला सामान अब रहने ही दो कोई पे बैठना है आदूष पे बैठते नहीं है बेटा खड़े होते हैं टिपिकल मॉम्स चाय ठंडी हो गई क्या कर दिया ऐसा पहले ओ बेटे अच्छा अब आदू के लिए दो गिफ्ट और है मैं अरे बस कर दो आदू कहीं चल रहा है हम भी बैठे हैं लाइन में सर क्या कहना है आपका ये है आदू की ड्रेस अच्छा ये आदू फिश तुम्हें मछली ले आई है इसको फिर से करो मासी ऐसे बाहर निकल जाओ चलो अभी इसके ना नीचे बैटरी लगाएंगे ना फिर आवाज वगैरह भी करेगी अब मैंने लगाई लेकिन अंदर आदू आदू चलो बाहर निकल जाओ गाड़ी लेके आंखें देखी कैसे सारे सामानों पे है अरे मासी जरा पकड़ना वहाँ सामान रख के आई निकाल
निकालो साइड करना, कोई गाड़ी ना ले जाए। ये देखना मेरा मेरे वॉच क्या कह रही है। फोकस हो जा भाई, दिखाने दे। लाउड एनवायरनमेंट गाइस प्लीज की बॉय शोर कम मचाओ। शुरू होते ही भाई। सो गाइज हम लोग घर आ गए थे एंड उसके बाद गिफ्ट्स वगैरह देख के हम लोग उसके बाद इतना थक गए थे गप्पे मार मूर के, हम लोग सोए हैं और अब 6:30 बज रहे हैं। और देख लो ये छोटा सा काका अभी नाइने के लाई है इसका। ओ गाइज को तो देख लो, गाइज से तो मिल लो। ओले। सो अब आज के व्लॉग को यहीं पे ही एंड करते हैं। अभी हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, नोनू बस अभी घर गया है एंड व्लॉग को करते हैं एंड। एंड अब इसको फटाफट से ट्राई करेंगे एडिट करके फटाफट से डाल सके, है ना यादू। गाइस को बाय कर दो फिर। बाय 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 गाइस। लाइक बोलो गाइस, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स भी। ओके बाय, सी या, सी या, बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।